देखिएगा। यहां पर देखिएगा, एक एक बिंदु समझने का प्रयास करिएगा। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, सबसे पहला बात तो यह है कि ये जो राष्ट्रपति शासन है ये कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? तो याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रपति शासन है ये लगता है आपके अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो आपके कितनी बार लगा है? तो याद रखिएगा, अभी तक लग रखा है 4 बार। कितनी बार है? 4 बार। ठीक है, अब देखिएगा, यहां से एक एक बिंदु को समझिएगा आप। कितनी बार लगा है? तो चार बार। ठीक है, अब देखिएगा, एक तो हम यहां पर चर्चा करेंगे समय की, यानी कि कब लगा था। ठीक है, एक हम चर्चा करेंगे जिस समय लगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। मुख्यमंत्री एक, उस समय आपके राज्यपाल कौन थे, और एक फैक्ट हम और लिखेंगे कि जिस समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राष्ट्रपति कौन थे, और एक हम लिख लेंगे कि वजह क्या है, क्या कारण था कि राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, तो प्रत्येक राष्ट्रपति शासन के बारे में हमें 5 बातें पढ़नी है। एक तो कब लगा था, दूसरी बात यह है कि उस समय सीएम साहब कौन थे, राज्यपाल कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, और वजह क्या थी। 5 बातें विशेष है। तो सबसे पहली बात है कि पहली बार कब लगा था, तो याद रखिएगा पहली बार लगा था 1967 में। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1967 में। कब लगा था? 1967 के अंदर। और उस समय सीएम साहब कौन थे, तो 1967 के अंदर जो सीएम थे वो थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। पहली बार 1967, और सीएम साहब कौन, तो याद रखिएगा मोहनलाल सुखाड़िया। डायरेक्ट क्वेश्चन, उस समय राज्यपाल कौन। अब देखिए यहां पर 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, समझिएगा। एक तो जिस समय लगाया गया था उस समय राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा सम्पूर्णानंद। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे, तो सम्पूर्णानंद। और जिस समय हटाया गया उस समय कौन थे, तो याद रखिएगा सरदार हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह। लगाया उस समय सम्पूर्णानंद थे, और जिस समय हटाया गया उस समय कौन थे, सरदार हुकुम सिंह। अच्छा, राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। और वजह क्या थी, कारण, तो था आपके अस्पष्ट बहुमत। तो अब यहां से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उनको समझिए। सिंपल सी बात है, उनको समझिएगा क्या क्या पूछ रहा है। देखिए, पहला तो हो गया कि
राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो याद रखिएगा 1967। उस समय सीएम साहब कौन थे? तो याद रखिएगा मोहनलाल सुखाड़िया। जिस समय लगाया गया उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद, लेकिन जिस समय हटाया गया उस समय कौन थे? तो सरदार हुकुम सिंह। उसी समय राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। और वजह क्या है? तो अस्पष्ट बहुमत था। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि राजस्थान में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। तो याद रखिएगा जब पहली बार लगा था उस समय राष्ट्रपति थे आपके सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चले आगे। तो ये था पहली बार। अब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग रहा है दूसरी बार। तो दूसरी बार कब लगा था? तो दूसरी बार लगा था, याद रखिएगा, 1977। जिस समय लगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा हरदेव जोशी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया और दूसरी बार कौन थे? तो याद रखिएगा हरदेव जोशी। अच्छा, जिस समय लगा उस समय राज्यपाल कौन थे दूसरी बार में? तो याद रखिएगा वेदपाल त्यागी। और जिस समय हटाया गया उस समय कौन थे? तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम मोहनलाल सुखाड़िया और सेकेंड टाइम याद रखिएगा हरदेव जोशी। जिस समय लगाया गया उस समय पहली बार राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। दूसरी बार कौन थे? वेदपाल त्यागी। पहली बार जब हटाया गया उस समय कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। दूसरी बार जब हटाया गया उस समय कौन थे? याद रखिएगा रघुकुल तिलक। अच्छा, इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन? तो याद रखिएगा बिड्डी जत्ती। और कारण क्या है? कारण यही है कि अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। बहुमत बहुमत सिद्ध न होने के कारण। ये था दूसरी बार सफर जब राजस्थान के अंदर लगा था राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं तीसरी बार की। तो तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो वह है आपके 67, 77 और 80। 67, 77 और 80। इस समय सीएम साहब कौन? तो याद रखिएगा भैरो सिंह शेखावत। भैरो सिंह शेखावत। और जिस समय लगा तीसरी बार राष्ट्रपति शासन और जिस समय हटाया गया तीसरी बार उस समय राज्यपाल एक ही थे, वो थे आपके रघुकुल तिलक। ये याद रखना है। देखिए, पहली बार जब लगा तब संपूर्णानंद थे, हटाया गया था उस समय सरदार हुकुम सिंह थे। दूसरी बार जब लगा तब राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे, हटाया गया उस समय रघुकुल तिलक थे। लेकिन ये तीसरी बार देखिए 1980 के अंदर जिस समय लगाया गया है या जिस समय हटाया गया है उस समय एक ही व्यक्ति है, रघुकुल तिलक। अच्छा, इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। और इस समय भी वजह क्या है? बहुमत सिद्ध नहीं होने के कारण। ठीक है,
आशा करता हूं ये तीसरी बार भी बात आपको समझ में आई कि राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 1980 में। उस समय सीएम साहब कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। उस समय राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और वजह क्या है? वजह यही है कि बहुमत सिद्ध न होने के कारण। वजह तो लगभग आपको यही मिलेगी कि बहुमत सिद्ध नहीं होने के कारण। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब देखिए नंबर फोर देखिए, जब राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 के अंदर, दिसंबर 1992, उस समय सीएम साहब कौन? तो याद रखिएगा, भैरव सिंह शेखावत। ऐसा भी पूछा जा सकता है, यहां पर देखिए तीसरी बार भी कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। और चौथी बार भी कौन है? भैरव सिंह शेखावत। जिस समय लगा उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो याद रखिएगा एम चन्ना रेड्डी। लेकिन जिस समय हटाया गया उस समय बलिराम भगत। जिस समय हटाया गया उस समय कौन थे? बलिराम भगत। और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और वजह क्या है? वजह वही है, बहुमत सिद्ध नहीं होने के कारण। बहुमत सिद्ध न होने के कारण क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो आपके यानी हमारे राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? अब देखिए यहां से किस प्रकार से और कौन कौन से नए प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन तो है आपके सामने कि राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा वो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान अनुच्छेद 356। दूसरा, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो याद रखिएगा 4 बार। कितनी बार लगा? 4 बार। कब कब लगा? तो याद रखिए 1967, 77, 80 और 92। फिर पूछेगा आपको कि सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन, तो याद रखिएगा राजस्थान में सबसे लंबे समय तक तो याद रखिएगा वो लगा था 1992 में। यानी कि राजस्थान में जो चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगभग 1 साल के लिए था। सबसे कम समय के लिए यानी कि सबसे छोटे समय के लिए राष्ट्रपति शासन, तो याद रखिएगा 1967 पहली बार मार्च में लगा था और अप्रैल में हट गया। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, ये हो गए। अगला फैक्ट कि पहली बार जब लगा उस समय सीएम साहब कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। यहां पर विशेष ध्यान देना है राज्यपाल के अंदर, क्योंकि सीएम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पहली बार कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार कौन थे? हरदेव जोशी। तीसरी बार और चौथी बार लगातार कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। क्वेश्चन जहां से सबसे शानदार है वो है राज्यपाल। पहली बार जब लगाया गया था उस समय थे संपूर्णानंद, हटाया गया उस समय थे सरदार हुकुम सिंह। दूसरी बार जब लगाया गया था उस समय राज्यपाल थे वेद पाल त्यागी। जिस समय हटाया गया उस समय थे रघुकुल तिलक। लेकिन तीसरी बार में ठीक है, चाहे लगाया गया चाहे हटाया गया राज्यपाल एक ही रहे, कौन? रघुकुल तिलक। लेकिन चौथी बार जब लगाया गया उस समय राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी, लेकिन हटाया गया उस समय थे बलिराम भगत। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो पहली बार जब लगा था उस समय थे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, दूसरी बार बिड्डी जत्ती, तीसरी बार नीलम संजीव रेड्डी और चौथी बार थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, और कारण क्या थे? तो याद रखिएगा पहली बार तो अस्पष्ट बहुमत थे, ठीक है, दूसरी बार बहुमत सिद्ध नहीं होने के कारण, तीसरी बार स्वयं सिद्ध नहीं कर पाए बहुमत, और चौथी बार भी बहुमत सिद्ध नहीं होने के कारण। ठीक है, हाँ, तो ये है आपके
राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन, जहां से आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्वेश्चन चाहे कैसे भी बन सकता है, कब लगा सर्वाधिक बार, सबसे छोटे समय, या फिर राज्यपाल कौन था जब लगा हटाया गया, उस समय कौन थे, या फिर जिस समय लगा उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, यहां से इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में आना ही आना क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन तो 100% आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने ये चर्चा की। नेक्स्ट अगले चैप्टर के बारे में हम और चर्चा करेंगे, जहां पर हम राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।